नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम उपमा बनाएंगे, इसके लिए मैंने कढ़ाई में घी रख दिया और उसमें मैं सूजी डालूंगी। सूजी 1 कप ले ली है मैंने। वैसे तो इसमें मोटी सूजी में ज़्यादा अच्छा उपमा बनता है, लेकिन अगर आपके पास इस लॉकडाउन में बारीक वाली सूजी है तो आप उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स ले लीजिए कि उसको हमें बहुत अच्छे से सेकना है। यानी वैसे तो हम बड़ी वाली सूजी को बिल्कुल लाइट कलर तक सेकेंगे, खुशबू आने तक, लेकिन अगर बारीक हो तो फिर आप थोड़ा सा उसका बादामी कलर ज़्यादा कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, वो चिकनी नहीं रहेगी और उसका दाना जो है खिला खिला सा बनेगा। तो ये आज आपकी टिप्स हो गई कि अगर बारीक सूजी हो तो आप क्या करें। और इसको बिल्कुल मीडियम आंच पर भूनूंगी मैं हल्का बादामी होने तक। इसको मैं घी में भून रही हूँ, आप चाहें तो तेल में भी भून सकते हैं और बिना तेल और बिना घी के भी भून सकते हैं, तीनों तरीके से आप भून सकते हैं। और सूजी को हम लंबे समय तक अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि हम जो रेडीमेड पैकेट लाते हैं उस रेडीमेड पैकेट को की जगह हम अगर सूजी को बिना घी तेल के सेक करके ऐसे ही रख देते हैं तो लंबे समय तक हमारा जो सूजी का पैकेट रहता है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है, उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। और तेल घी यूज़ कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, तो सिर्फ कढ़ाई में आप बिना घी तेल के सूजी को भून करके लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो अब इसको देखिए मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, कंटिन्यू चलाना ज़रूरी है वरना जो है एक जगह से जल जाती है। तो इसको अच्छे से सेकेंगे। तो देखिए हमारी सूजी जो है सिक गई है, और अगर आपकी बारीक सूजी है तो आप इससे भी ज़्यादा डार्क कलर कर सकते हो। तो अब ये हो गई है, अब इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं क्योंकि हम दूसरी तैयारी करेंगे। अगर तब तक हम इसी कढ़ाई में रखेंगे तो ये सूजी नीचे से जलने लग जाएगी क्योंकि कढ़ाई बहुत देर में ठंडी होगी। तो इसको मैं दूसरी प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें हम उपमा बनाएंगे। इसमें हम 1 से 2 टेबलस्पून तेल डाल रहे हैं, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। तेल और घी हमें इसमें कम ही रखना होता है, तभी ये पौष्टिकता इसमें बनी रहती है, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स हम डालेंगे, सूजी डालेंगे और उसमें तेल या घी भी हम कम यूज़ करते हैं, तो हमारी ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी हो जाती है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम राई डालेंगे और राई को अच्छे से चटकने देना। जब तक राई अच्छी चटकेगी नहीं तो हमारे उपमा में अच्छी खुशबू आएगी नहीं, तो इसको बहुत अच्छे से चटकने देना। तो राई हमारी बहुत अच्छे से चटक रही है। अब हम 1 चम्मच चने की दाल डालेंगे। चने की दाल जो क्रंचीनेस आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और धुले हुए उड़द की दाल ली, इसको मैंने धो लिया था क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा पाउडर हो रहा था, और ये भीग गई है तो अब ये बहुत अच्छा टेस्ट भी देगी और खुशबू भी देगी। तो इसको पानी से निकाल करके मैं डालूँगी और फिर अब जो इसकी खुशबू आएगी और क्रंचीनेस आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। तो इस दोनों दालों को हम बहुत अच्छे से डार्क करेंगे, अच्छा सा भूनेंगे, इनको कलर चेंज होगा तभी इसकी खुशबू आएगी पूरी। इसी के साथ हम कड़ी पत्ता डाल देंगे, हींग डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा डार्क होने देंगे दालों के कलर को। तो दोनों दालों का कलर अच्छा सा चेंज हो गया है, चने की दाल पे भी ब्राउन ब्राउन सी लेयर दिख रही है। अब इसमें हम घिसा हुआ अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्ची लंबी लंबी कटी हुई, ताकि अगर ज़्यादा तेज़ लगेगी मिर्ची तो हम अलग कर सकते हैं। जो हरी मिर्ची नहीं खाते उनके हिसाब से, बच्चे वगैरह जो हैं हरी मिर्ची खाते नहीं हैं तो फिर वो अलग कर लेंगे जब वो खाएंगे। तो हरी मिर्ची भी भुन गई है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज को भी हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम सारी वेजिटेबल्स डालेंगे, तो बारीक कटे हुए आलू डालूंगी, इसी बहाने जो है बच्चे सारी सब्जियां खा लेते हैं। आप इसमें चाहें तो लौकी डाल लें, मैं थोड़ा मटर डाल रही हूँ, फ्रोजन मटर, थोड़ी सी फूल गोभी, शिमला मिर्ची, गाजर, इन सबको अच्छे से पका लेंगे।
ये भुनती है तब तक मैं थोड़ी सी मूंगफली को तेल में अलग फ्राई करके रख लेती हूँ। इन सब्जियों को हमें पकाना तो है लेकिन एकदम से गलाना नहीं है, इसलिए हम थोड़ी सी आंच तेज करके इनको तेज फ्राई कर रहे हैं ताकि इनमें क्रंचीनेस आ जाए, क्योंकि बाद में ये पानी के साथ जब उबलेगी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इसको हमें गलाना नहीं है, बस इसलिए हम इसको तेज आंच पर इस तरीके से चला चला के भून रहे हैं। तेल गर्म हो गया है हमारा, इसमें हम मूंगफली दाने डाल देंगे। कच्चे मूंगफली दाने पानी में जब हम उबालते वक्त डालते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, और अब फ्राई करके रखेंगे तो थोड़ा सा हमें क्रंचीनेस लगेगा, तो हमारा उपमा जो है अलग तरीके का लुक लेगा। तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो हमारी सब्जियाँ जो है काफ़ी अच्छी क्रंची तरीके से हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो टमाटर ना डालें, लेकिन मैं सारी सब्जियाँ बना रही हूँ तो इससे क्या होगा, बच्चों को सब चीज़ खाने में आ जाएगी। और आप टमाटर पसंद नहीं करते हैं या किसी वजह से नहीं खाते हैं, और आलू भी आप स्किप कर सकते हैं, इसमें लौकी भी डाल सकते हैं, आलू की जगह आप लौकी डाल सकते हैं। इसको भी तेज आंच पे करेंगे ताकि टमाटर जो है ज़्यादा लिस से नहीं हो। तो टमाटर भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया इन सब्जियों के साथ। अब इसमें हम हमारी भुनी हुई सूजी डाल देंगे। भुनी को भून लेंगे सूजी को भी, इसमें सूजी को भी इन सब्जियों के साथ भून लेंगे। इससे क्या होगा, सब्जियों का एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो ये सूजी सोख लेगी और हमारी सब्जियां जो हैं बिल्कुल गलेगी नहीं, दिखती रहेगी, और इनका जो बाकी का कच्चापन है सब्जियों का वो अभी उबलेगी, उसमें पक जाएगी। तो ये इसमें अच्छे से मिक्स हो गया, और अब इसमें हम पानी डालेंगे। आप चाहें तो गर्म पानी डाल दें, चाहे तो ठंडा पानी डाल दें। मैंने 3 कप पानी लिया है, 3 गुना पानी, लेकिन मैं 1/2 कप पानी बचा लूँगी, आवश्यकता अनुसार बाद में यूज़ करूँगी, पहले मैं 2.5 कप पानी डाल देती हूँ। आँच हम थोड़ी सी तेज करेंगे क्योंकि पानी हमने जो है ठंडा डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब मीडियम कर लेंगे आँच को, और अब इसमें हम 2 टीस्पून चीनी डालेंगे, क्योंकि चीनी का जो नेचुरल टेस्ट सूजी के साथ जाता है तो सूजी में एक अच्छा सा मीठापन आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल करके आप इस तरीके से हिला लें और फिर इस पानी का टेस्ट कर लें, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नमक है वो एक्यूरेट है कि नहीं। इस वाली स्थिति में आप नमक अभी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में अगर हम एडजस्ट करना चाहेंगे तो फिर वो एडजस्ट नहीं होता है। तो ये जब पानी है तो इस पानी को चख लेंगे, मेरा बिल्कुल परफेक्ट है नमक इसमें। और आप चाहें तो भूनते वक्त इसमें हल्की सी हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ, और मैं इसको अब ढक दूंगी। एक बार अच्छे से चला लेती हूँ ताकि नमक और शक्कर जो है सभी में अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई सूजी का लम्स नहीं रहे। वैसे तो हमने सूखी सूजी सब्जियों के साथ डाली है तो कहीं पे भी लम्स नहीं हुए। और अब इसको बिल्कुल कम आंच करके ढक करके 2 से 3 मिनट हम पकने देंगे, फिर चेक करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि सूजी जो है पानी पी करके फूलेगी तभी अच्छी लगेगी। तो धीमे धीमे आंच पे जब ये पकेगी तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी इसमें काफ़ी देर लगेगी, अभी 1-2 मिनट और लगेंगे, वापस से हम ढक देते हैं। अब चेक कर लेते हैं हम, बिल्कुल अच्छे से हो गई है, और यही वाला टेक्सचर हमको चाहिए, दानेदार एकदम, खाते वक्त जो है सूजी का दाना फील होना चाहिए। तो इसलिए हमने पानी 2.5 कप डाला है, आप 3 कप भी डाल सकते हैं, तो उसको थोड़ी ज़्यादा देर पकाना होगा, पानी को रिमूव करना होगा। अब इसमें सब्जियां जो है सारी अच्छे से दिख भी रही हैं। अब इस टाइम मैं थोड़ा सा इसमें 1 टीस्पून करीब घी
घी डालूंगी, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है वो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और इस घी को अच्छे से इसमें मिक्स कर देती हूँ। घी से इसमें अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। घी भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब हमने जो मूंगफली दाने तले थे वो डाल देंगे और आधा नींबू निचोड़ देंगे। तो खट्टा मीठा जो टेस्ट आता है, हमने पहले शक्कर डाली है अब नींबू डाला है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट। और अब इसको हम आइए सर्व कर लेते हैं। तो अब हम उपमा सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया थोड़ा कच्चा रहता है ना, तभी अच्छा टेस्ट देता है, तो इसलिए अब हमने सबसे लास्ट में इसमें धनिया डाला है। अब इसको सर्व कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। हम कोई भी कटोरी ले लेंगे, कोई भी सांचा ले लेंगे, कटर ले लेंगे। और कटोरी ले रहे हैं तो इसमें हम एक बार हल्का सा अच्छे से सब तरफ तेल लगा लेंगे, ताकि हमारी सूजी जो है चिपकेगी नहीं, इसमें उपमा चिपकेगा नहीं। और अब इसमें हम अपना उपमा डालेंगे। अच्छे से प्रेस करके डालेंगे ताकि जो उपमा है हमारा अच्छे से सेट हो जाए। बच्चों को इस तरीके से जब सजा के देते हैं ना तो वो इजीली खा लेते हैं, और अगर ऐसे पोहे की तरह या खिचड़ी की तरह इनको बिखेर के ऐसे डाल देते हैं तो वो खाते नहीं। इसको थोड़ा डेकोरेट करके डालते हैं ना तो वो आराम से खाने में मुंह नहीं सिकोड़ते। ये हमने इसमें सेट कर दिया। और अब इसको थोड़ा गर्म है तो हम कोई कपड़े की सहायता ले लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आराम से निकल जाता है। हल्का ठंडा करके करें ताकि हाथ नहीं जले। अभी मेरी कटोरी बहुत ज़्यादा गर्म थी तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये आसानी से निकल के आ गया और थोड़ा ठंडा करके करेंगे। मेरा थोड़ा गर्म था तो इससे क्या है कि हाथ जलता है और निकलने में भी दिक्कत आती है। तो अब इस पर हम चाहे तो नमकीन डाल लें, चाहे तो अचार डाल लें, नींबू का अचार हो, केरी का मिक्स वेजिटेबल वाला अचार हो, पापड़ हो, क्रंचीनेस के लिए कोई भी कुरकुरे वाली नमकीन हो, बेसन की नमकीन हो, वो डाल करके भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ, नमकीन के साथ, नींबू के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसके साथ दही, नींबू का अचार, केरी का अचार, कोई सा भी अचार आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, या प्लेन ऐसे ही खाएंगे तब भी अच्छा लगेगा। हाथ से भी खा सकते हैं, चम्मच से भी खा सकते हैं। तो मेरे पास छोटे छोटे पत्ते थे केले के, तो वो उस पर मैंने सर्व कर दिया। तो आप भी इस तरीके से इस उपमा को एक बार बना करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।